हेलो गाइस, नमस्ते और सिर्फ यंग आर्टिस्ट के गिटार चैनल पर वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन पर एक लेसन लाए हैं, प्यार के पल बाय केके सर। एंड रेस्ट इन पीस टू केके सर, जिन्होंने अपने म्यूजिक के थ्रू हम सबकी लाइफ पर इतना अच्छा इम्पैक्ट लाया है। तो इस लेसन को शुरू करते हैं हम, और इसमें हमने 5 कॉर्ड्स का इस्तेमाल किया है हमने इस लेसन पर। उसमें से 2 तो ओपन कॉर्ड्स हैं, तो अगर आपको ओपन कॉर्ड्स आती हैं बजाना तो फिर दैट्स वेल एंड गुड, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। और 2 कॉर्ड्स होंगे जो हम पावर कॉर्ड फैशन में इनको बजा सकते हैं। और अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक लिंक मैं यहाँ पे डालता हूँ, उसको देख के आपको पावर कॉर्ड्स, ओपन कॉर्ड्स, ये सब चीज़ों के बारे में काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। और लास्ट जो कॉर्ड है हमारी 5th वाली, वो थोड़ी सी अलग है बट इट्स वेरी ईजी तब भी, तो मैं उसको एक बार आपको बता देता हूँ कि वो कॉर्ड कैसे है, और उसके बाद हम अपना लेसन शुरू करते हैं। तो हमारी यूनिक कॉर्ड है एफ शार्प माइनर। तो एफ शार्प माइनर को हम नॉर्मल तरीके में, बार कॉर्ड के तरीके में बजाएं तो हम ऐसे बजाते हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है। तो एज अ बिगिनर मैं आपके लिए एक अच्छा सा वेरिएशन लाया हूँ इस पे, और मेरे मुताबिक जो वेरिएशन हम सीख रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है इस गाने पर, मोर देन द बार कॉर्ड। तो इसको देखते हैं, इसकी चार्ट भी हम ले आते हैं स्क्रीन पर, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और फिंगर नंबर्स देख लो, 1, 2, 3 एंड 4, ये हो गई 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो अपनी फिंगर नंबर 3 को हमें रखना है 4th फ्रेट पर ऑन द 5th स्ट्रिंग, फिंगर नंबर 4 को रखना है ऑन द 4th स्ट्रिंग पे 4th फ्रेट। तो ये हो गया हमारा, दोनों 4th फ्रेट पर ही हैं स्ट्रिंग्स 5 एंड 4। एंड लास्ट हमें अपनी फिंगर नंबर 1 को रखना है 2nd फ्रेट ऑन द 3rd स्ट्रिंग। तो बस इतना ही है कॉर्ड आपका, 1, 2 एंड 3। एंड लास्ट की जो दो कॉर्ड, सॉरी लास्ट की जो दो स्ट्रिंग्स हैं उनको आपको ओपन प्ले करना है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड आएगी इसकी। तो गाने को सीखते हैं अभी। गाने के हम मेन पार्ट सीखने वाले हैं, बीच में जो ब्रेकडाउन आता है, जो सोलो आता है, वो इस वीडियो के सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप एज अ बिगिनर इस गाने को अच्छे से बजाना चाहते हो और इन्जॉय करना चाहते हो, तो देन लेट्स कंटिन्यू। तो गाने की सबसे पहली लाइन होती है हम, और जैसे गाना शुरू होता है और वोकल्स शुरू होती हैं, गिटार पर हमें ई मेजर कॉर्ड बजानी है, ओपन कॉर्ड हम। और मैं आपको एक बार स्ट्रमिंग पैटर्न भी बता देता हूँ इसका। तो इसका काफ़ी सिंपल सा, कॉमन सा स्ट्रमिंग पैटर्न है, इस पर बहुत जचेगा। तो ये है डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है। आपको स्क्रीन पर वो भी मिल गए होंगे नोटेशन इसके, तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, हाथ पे सेट हो जाएगा, तो पूरे गाने पर ऐसा ही पल्स आप चलाओगे तो अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हम। रहे या ना रहे कल, जैसे हम ना रहे कल बोल रहे तो हम ए पे आ जाते हैं, ए मेजर पे। कल याद आएंगे ये पल, तो उस लाइन पर आपको ए पर ही रहना है, ए मेजर कॉर्ड पर ही एक और बार बजाना है, तो ऐसा कुछ रहेगा। कल याद आएंगे ये पल, और याद आएंगे ये पल जब हम बोल रहे हैं तब हमें अपनी यूनिक कॉर्ड पर आ जाना है, जो ये वाली है। तो एक बार पूरी चारों लाइंस को एक साथ सुन लो। तो हम, रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल। नेक्स्ट वाला पार्ट भी एकदम ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है, तो उसको मैं आपको बता देता हूं। स्टार्टिंग हमारी सेम तरीके से होने वाली है, पल ये हैं प्यार के पल, सेम कॉर्ड्स ए में आ गए हम। चल फिर से ए में, आ मेरे संग चल, जब सेकंड टाइम मैं बोलता हूं मेरे संग चल, तो अब हम आ जाएंगे अपनी बी कॉर्ड पर, तो इसको आप एज अ पावर कॉर्ड बजा सकते हो। तो इसको एक बार फ्लो में देख लो, पल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल। फिर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो एकदम ऊंची जाती है ना केके सर की आवाज, तो उस पार्ट में हमारा कॉर्ड भी थोड़ा सा ऊंचा जाएगा ऑब्वियसली। तो आपको जो हमने बी वाली कॉर्ड पकड़ी हुई है अभी, उसको 1, 2, 2 फ्रेट आगे कर लो सेम स्ट्रिंग पर,
वहां से शुरू करने वाले हम, तो फिर होगा ये चल सोचे क्या में हम आ जाएंगे बी पे, छोटी सी, जैसे हम छोटी सी बोल रहे हैं तब हम ए मेजर बजाएंगे, है जिंदगी में हम वापस आ जाएंगे ई मेजर पर, है जिंदगी। तो सेकंड लाइन भी आपकी एकदम सेम है, कॉर्ड्स आपकी सेम चलने वाली है, मैं आपको बस जल्दी से बता देता हूं, स्टार्ट करने वाले हैं कल मिल जाएं, जैसे मिल जाएं, जैसे मिल जाएं बोल रहे हैं हम तब तो बी पे आ जाएंगे, तो होगी जैसे गी बोल रहे तो हम आ जाएंगे ए पर, और खुश नसीबी पर हम आने वाले हैं वापस अपनी ई पर। और अब आने वाली है गाने की सबसे मेन लाइन, आइकॉनिक लाइन, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। तो इसमें कॉर्ड्स तो काफ़ी सिंपल है, कुछ नई कॉर्ड्स नहीं यूज होने वाली है, लेकिन इसकी टाइमिंग हल्की सी थोड़ी सी ट्रिकी है, तो एक बार आप देख लो ध्यान से। तो हम ई मेजर पे हम बजाने वाले हैं, रहे या ना रहे पे हम तुरंत ए पे आ जाएंगे, याद आएंगे जैसे याद आएंगे बोल रहे हैं हम अपनी यूनिक कॉर्ड एफ शार्प वाली पे आ जाएंगे ये, फिर ये पल जब बोल रहे हैं तो फिर वापस ई में आ जाएंगे। एक बार मैं आपको लिरिक्स बोलता हूं और फिर कॉर्ड साथ में बजाता हूं तो टाइमिंग थोड़ी अच्छे से आपको आ जाएगी। तो हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। तो ये हो गया हमारा पूरा लेसन। गाने का जो बीच का ब्रेकडाउन और सोलो पार्ट है उसको हम नहीं प्ले कर रहे हैं, और जो सेकंड वर्स और कोरस आता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चल रहा है इसमें, तो आप वही कॉर्ड्स वही टाइमिंग रिदम से आप बजा सकते हो आराम से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर दे देना, और साथ साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे और लेसन्स देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट लेसन पर मिलता हूँ, ओनली एट सिर्फ यंग आर्टिस्ट, जहाँ वी नर्चर द आर्टिस्ट इन यू।